भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तरफ से दहिसर विधानसभा अध्यक्ष राजेश उपाध्याय ने वार्ड क्रमांक एक में आम जनता की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड, भारतीय डाक विभाग की लाभकारी योजनाएं, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक जैसी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार दिवसीय कैंप का आयोजन किया है। इस अवसर पर रामकृपाल उपाध्याय, अमर शाह, विनोद शास्त्री सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां पर आम जनता को चार दिनों तक उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पेश है खास रिपोर्ट। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में माननीय परम श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उनके कई नियम, कई कार्यक्रम और योजनाएं पूरे देश भर में हम सभी कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे और हमारा लक्ष्य ये है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, वो अंत्योदय का सपना के माध्यम से हम हर गरीब बस्ती में अंत में जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वहाँ तक पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। मैं आज इस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है और इसके माध्यम से पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम जो है, सुकन्या के जो सारे स्कीम है, ई श्रम के जो सारे स्कीम है, उसके कार्ड बनना और आयुष भारत के जो कार्ड बनना, ये समझिए कि यहाँ के गली बस्ती के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जो पिछड़े लोग हैं, जिनको कोई सहयोग नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज है, जो लोग असंगठित है, उनके लिए ये बहुत बड़ा वरदान का काम आज हो रहा है। ये चार दिन का कैंप है। मैं अपनी ओर से सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देना चाहता हूँ। देखिए, पिछले चार महीनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, हर एक वर्ग का, हर एक वार्ड का कार्यकर्ता, इस चीज़ पे समझने एक संगठन बना के ये तय किया था कि मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई है, जो गरीब, शोषित, पिछड़े लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं है, वो वॉर स्तर के लेवल पे, हमको वॉर फुटिंग के लेवल पे उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आघाड़ी की सरकार दारू बेचने में, मदिरा बेचने में ज़्यादा फोकस करती है, योजना लाने में कम ध्यान दे रही है। तो ये हमारा कर्तव्य बन रहा है कि हम जैसे जो एकदम नीचे वर्ग के कार्यकर्ता है, ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता, युवा मोर्चा जो एक यूथ विंग होने के नाते, तो जो ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता, उसका एक फर्ज भी है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, अंत्योदय का जो सपना है, कि हर एक अंतिम वर्ग के लोगों तक योजनाएं पहुंचाए। तो इसलिए हम सब लोग मेहनत करके ये योजना लोग बस्ती में ला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और इनके आने वाले समय में इनको इसका फ़ायदा मिले। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी की एक सीख है जो हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जी ने जी दी है, वो है अंत्योदय तक पहुंचने की। जो हमारे यहाँ के घटक के जो सर्वश्रेष्ठ आदमी है, जहाँ पर मूलभूत सेवा नहीं पहुँचती, वहाँ तक पहुँचाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें संस्कार दिए और उसी संस्कार पे आगे चलते हुए हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अंत्योदय तक पहुँचने के लिए बहुत सारी योजना दी, जहाँ पे वयोश्री योजना है, दिव्यांगों के लिए योजना है, हमारी बहनों के लिए योजना है, उसके बाद उन्होंने अभी मजदूरों के लिए ई श्रम योजना निकाली है। तो उसी योजनाओं को उत्तर मुंबई के हर एक तबके तक पहुंचाने का काम हमारे मार्गदर्शक खासदार गोपाल शेट्टी जी ने किया है और उसी तरह दहिसर विधानसभा के हर एक वार्ड, हर एक अंत्योदय तक पहुंचने का काम हमारी विधायिका मनीषा तय चौधरी ने किया है और उसके पीछे ही हमारे युवा मोर्चा ने जो अंत्योदय तक पहुंचने के लिए जो योजना है, उन योजनाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाया हमारे भाई राजेश उपाध्याय जी के माध्यम से। तो मैं राजेश उपाध्याय जी और उनकी पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और जी, महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है, इसको लेकर युवा मोर्चा की तरफ से कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? युवा मोर्चा की तैयारी तो बहुत जोरदार चल रही है और अवश्य मैं ये छोटी सी एक दो तीन पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि महानगर पालिका का क्या होने वाला है। मैं कहना चाहूँगा, कुछ देर की खामोशी है,
कुछ देर की खामोशी है, बहुत जल्द तूफान आएगा। कुछ देर की खामोशी है, बहुत जल्द तूफान आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया है, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा और बहुत ही जल्द, और बहुत ही जल्द मुंबई महानगर पालिका में सम्माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का महापौर आएगा, महापौर आएगा, महापौर आएगा।